यहाँ से ग्रेटर देन होगी हमारे पास, दैट इज रैंक ऑफ ए, सॉरी ए नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर एस डिफाइन करना है, दैट इज रैंक ऑफ एस प्लस रैंक ऑफ टी माइनस कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। यहाँ पर आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। अब यहाँ पर देखिएगा एक बारी के लिए एस ओ टी, टी मेरे पास क्या है यहाँ पर, सबसे पहले टी डिफाइन होगा, टी मेरे पास क्या है वी से लेके एन तक, और एन से ही आगे जा रही है मेरे पास वैल्यू, एन से ही एस डिफाइन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी डायमेंशन हमारे पास जो सेम है वो कौन सी है, वो हमारे पास एन है। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर ये बात मैं बोल सकता हूँ, दैट इज रैंक ऑफ एस ओ टी, रैंक ऑफ एस ओ टी वो ग्रेटर देन होती है रैंक ऑफ एस, रैंक ऑफ टी माइनस एन, माइनस एन से हम उसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बड़े। अब इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है दैट इज रैंक ऑफ एस ओ टी, रैंक ऑफ एस ओ टी की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास मिनिमम होती है, हमारे पास यहाँ पर मिनिमम होती है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए ये हो जाती है, रैंक ऑफ बी से ये छोटी होती है, और ये ग्रेटर देन किससे होती है हमारे पास रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन फैक्टर से, माइनस एन फैक्टर से। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, दोबारा लिखते हैं इसको हैंडराइटिंग साफ। तो ये रैंक ऑफ ए ये हो जाएगा रैंक ऑफ बी माइनस एन, ये लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ एस ओ टी, और ये लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, कुछ ये बात मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है। ऊपर वाला हटा देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है, सिमेट्री नहीं है। ठीक है, डन, यहाँ तक बढ़े आगे। ओके, अब मुझे ये जो नंबर है इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब अगर मैं यहाँ पर मैट्रिसेस लूँ, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अब अगर मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने एन क्रॉस एम टाइप की, बी मैट्रिक्स ले ली मैंने यहाँ पर एम इंटू एन टाइप की, जान के मैं यहाँ पर एन को एम से चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिफाइन हो जाए, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर एम। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो कॉमन फैक्टर क्या आता है हमारे पास यहाँ पर एम, इन दोनों के बीच में पहले आता है, तो इसका मतलब मैं इसे भी यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ कि रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए दैट इज द रैंक ऑफ बी माइनस द कॉमन फैक्टर दैट इज एम, माइनस द कॉमन फैक्टर दैट इज एम। सॉरी, सारा उल्टा पुल्टा हो गया माइंड में, एस ओ टी है, इसको हमने कैसे लिखना है, दैट इज ये ए और बी के बारे में नहीं, इसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर ए बी, यहाँ पर लिख लीजिए ए बी और इसे ले लीजिए एम, तो ये हो गया मैट्रिसेस के लिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखते हैं, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। यहाँ पर अब मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है रैंक ऑफ एस प्लस रैंक ऑफ टी माइनस एम लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ एस ओ टी, और वो मिनिमम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर रैंक ऑफ एस, और ये हो जाएगा रैंक ऑफ टी। डन, ये हमने इसका, इसके लिए पहले हमने मैपिंग के लिए लिख दिया, अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है। यहाँ पर मेरे पास ये एन आएगा, ठीक है, ये एन होगा क्योंकि मैंने इसके लिए यहाँ पर एन डिफाइन किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एन डिफाइन किया, तो उसके लिए मैंने वहाँ पर एम डिफाइन किया है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर बन के आता है, दैट इज रिजल्ट नंबर 3। ये जो है इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट नंबर 3 हमारा यहाँ पर बनता है, रिजल्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पर बनता है। लेकिन फ्रेंड्स इससे हमें रैंक ऑफ एस ओ टी या रैंक ऑफ टी ऑफ एस की रेंज पता चलती है कि इससे छोटा है इससे कम है। फोर्थ पॉइंट में जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ इसमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है मुझे यहाँ पर रैंक ऑफ एस ओ टी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉमन फैक्टर एन इज एग्जैक्टली इक्वल टू सॉरी रैंक ऑफ टी माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एस इंटरसेक्शन ऑफ इमेज ऑफ टी, कर्नल ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ इमेज ऑफ टी का जो नंबर होगा उसकी जो डायमेंशन मुझे यहाँ पर मिलेगी वो आप लोगों को एग्जैक्ट मिलेगी कि देखिए रैंक ऑफ एस ओ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एस इंटरसेक्शन इमेज ऑफ टी, जो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस नंबर से यहाँ पर डिफाइन होगी।
ठीक है, बड़े आगे चलिए अगले पार्ट को यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले आप लोगों के साथ एक और रिज़ल्ट यहाँ पर शेयर करना है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए ये तो हो गया रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ में, अब पांचवी रिज़ल्ट देखिए आप लोगों के पास क्या है। फिफ्थ रिज़ल्ट के बारे में अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेट कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर टी और एस, मेरे पास एक मैपिंग है S, T, मेरे पास एक मैपिंग है, दैट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ तक, दैट इज Rn से लेकर मेरे पास यहाँ पर ये Rn तक ही डिफाइन है, दैट इज Rn टू Rn तक ही डिफाइन है। ओके, अब मैंने आप लोगों को कल परसों ये वाली बात प्रूव करी थी कि S प्लस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। S प्लस टी जो है वो हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगली बात देखते हैं, इसका मतलब रैंक ऑफ S प्लस टी वो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज रैंक ऑफ S प्लस रैंक ऑफ T, रैंक ऑफ S प्लस रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ एस प्लस रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन होता है रैंक ऑफ एस प्लस टी, और ये हमारे पास ग्रेटर देन होता है हमारे पास दैट इज रैंक ऑफ एस माइनस रैंक ऑफ टी की मॉडुलस वैल्यू, माइनस रैंक ऑफ एस रैंक ऑफ टी की मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक बड़े। अब यहाँ से हमें ये वाली बात भी पता है कि एस माइनस टी इज़ ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब फ्रेंड्स जो रैंक ऑफ एस है प्लस रैंक ऑफ टी है वो ग्रेटर देन है रैंक ऑफ एस माइनस टी से, और वो भी ग्रेटर देन हो जाएगी हमारे पास रैंक ऑफ एस माइनस रैंक ऑफ टी की मॉडुलस वैल्यू से, माइनस रैंक ऑफ एस रैंक ऑफ टी की मॉडुलस वैल्यू से। तो मुझे ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है, समझ आती है यहाँ पर कि रैंक ऑफ एस ये हमने यहाँ पर ये फिफ्थ रिजल्ट को यहाँ पर हमने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट ही है। हम लोगों को प्रूफ नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई जो सर ने करवा दिया ठीक है, हमने इस बात को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमने पांच रिजल्ट यहाँ पर हमने अडॉप्ट किए हैं जिसके बारे में अब हम आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। चलो सॉरी, इस पांच रिजल्ट से एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिफाइन करता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर, देखते हैं समझते हैं कैसे अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक बार जरूर समझिएगा, बिना समझे मतलब आप लोग, मैं बार बार एक लाइन क्यों बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक बार अगर समझ लिया ना तो जैम के जितने भी नए क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएंगे वो आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, लीनियर अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी हमारा बनकर रेडी है, आप लोगों को जल्दी ही वो जो वीडियो है वो पब्लिश हो जाएगी, लीनियर अलजेब्रा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, उसके ऊपर हम सारी बातें यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे। जैम प्रीवियस ईयर ही डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर, लेट ए कॉमा बी बी एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, बी एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट, दैट इज ए बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी इंटू ए, सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी ए। और दूसरी बात मुझे यहाँ पर दी हुई है दैट इज ए प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है, ए प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। फर्स्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पर बोला हुआ है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी है। सेकेंड ऑप्शन मुझे यहाँ पर बोला हुआ है कि नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी वो हमारे पास जीरो है। फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात बोली हुई है, सॉरी थर्ड ऑप्शन मुझे यहाँ पर बोला हुआ है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी वो हमारे पास किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। और मेरे पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के बारे में जो डिस्कशन यहाँ पर हो रही है, ये जो ए प्लस बी का जो मॉडुलस जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है, ए प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम बात करते हैं आप लोगों के साथ डिस्कशन, सबसे पहले इसके जो प्रूफ या सॉल्यूशन के ऊपर ऑप्शन नंबर डी के बारे में डिस्कशन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी के बारे में डिस्कशन करते हैं। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ पर ये वाली बात बोलिए कि ये जो ए प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब फ्रेंड्स मुझे ये पता है ये जो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट का जो स्क्वायर है, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, ए प्लस बी का जो स्क्वायर है हमें पता है ये ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी
प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी के टाइप की वैल्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। अब ए बी और बी ए की वैल्यू तो मुझे यहाँ पर जीरो गिवन है, तो वो हो गया है हमारे पास बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नरेंद्र मोदी की मैथमेटिक्स यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है बड़े। तो ये मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे यहाँ पर मिल जाता है। अब अगली बात यहाँ पर आती है, अब मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लूँ फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, a इंटू ए माइनस माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू ए प्लस b इंटू बी, तो ये नंबर मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर इसे ए स्क्वायर और ये a और b की वैल्यू तो ज़ीरो है, और ये वाला नंबर भी कितना आ गया है, बी स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है, ये मेरे पास सेकंड स्टार मेरी ये नंबर मुझे यहाँ पर मिलती है। अब अगर ये सेकंड स्टार है, दोनों को मैं कंबाइन करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आता है कि ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। इसका मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो मेरा जो थर्ड ऑप्शन है, जो लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये मेरा ट्रू हो जाता है इस केस के लिए। अब अगली बात पढ़ते हैं यहाँ पर, ओके अब ऑप्शन नंबर बी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी और सी के बारे में अब हमने यहाँ पर डिस्कशन करनी है, तो ये बोर्ड को इरेज करते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल बात अब हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, कैसे ये नंबर यहाँ पर हमने, कौन सा ऑप्शन अब हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन अब हमारा गलत होगा, उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन करनी है, उसके बारे में यहाँ पर हमने अब हम डिस्कशन करनी है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी के बारे में मुझे यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी के बारे में यहाँ पर हो रही है, ये कभी भी इन जनरल ट्रू नहीं है, इन जनरल ट्रू नहीं है। ध्यान से देखिएगा कैसे, अब अगर मैंने यहाँ पर ए मैंने मैपिंग ली 1001, यहाँ पर हो गया है रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, यहाँ पर रैंक ऑफ ए जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, रैंक ऑफ ए की वैल्यू आ रही है 2। मैंने अब मैं बी मैट्रिक्स ली, मैंने यहाँ पर जान के 0000 ली, यहाँ से जो रैंक ऑफ बी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0, लेकिन मुझे यहाँ पर ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो मुझे मिल रही है 1001 मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इस कंडीशन का ये यूज़ किया है कि ए और बी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन क्या हमारे पास इनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, ए इंटू बी करूँगा तब भी ज़ीरो आ रहा है, ये हर कंडीशन को फुलफिल कर रही है, बी इंटू ए करूँ तब भी ज़ीरो आ रहा है, या ए इंटू बी करूँ तब भी ज़ीरो आ रहा है, इस कंडीशन को भी और उस कंडीशन को भी, लेकिन यहाँ पर ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रही है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी है नो, तो ये इन जनरल ट्रू नहीं है, तो ये लास्ट ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। अब अगली के लिए यहाँ पर मुझे आप लोगों के साथ, अभी मैंने आप लोगों को सम वाली कंडीशन बताई थी, उस कंडीशन का मैं यूज़ यहाँ पर करने वाला हूँ। वो मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पर ये नंबर बताया था कि रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ एस, रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ एस वो ग्रेटर देन होता है हमारे पर रैंक ऑफ एस प्लस टी, और वो ग्रेटर देन होता है हमारे पर रैंक ऑफ एस माइनस रैंक ऑफ टी का मॉडुलस वैल्यू माइनस रैंक ऑफ टी की मॉडुलस वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे आगे अपने क्वेश्चन को इसकी हेल्प से मुझे यहाँ पर बात लेके जानी है, और आप लोगों को ये वाली टर्म भी पता है हमारे पास, देखिए दैट इज रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ये हमारी मैट्रिक्स की हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, ये हम बहुत अच्छे से इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना हुआ है, ठीक है।
बड़े। अब जो मैंने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिखी, हम इसको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप लोगों के साथ इसे डिस्कस कर सकते हैं। अब रैंक ऑफ ए प्लस बी, अब ए प्लस बी के बारे में मुझे यहाँ पर जो डिस्कशन करनी है वो करनी है कि क्या नंबर मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, ए भी मेरे पास क्या है, एन क्रॉस एन है, बी भी मेरे पास क्या है, एन क्रॉस एन है, तो ए प्लस बी भी कितना होगा हमारे पास, एन क्रॉस एन होगा। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये मेरे पास रैंक ऑफ ए और ये मेरे पास यहाँ पर रैंक ऑफ बी है। इसका मतलब मैं इसे यहाँ पर ये कर सकता हूँ, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। मैं इस कंडीशन को यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन लेके इसको यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है। बढ़े आगे, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन एन है। अब अगर मैं एक बार उसे छोटा दिखा दूं तो वी आर डन, तो मेरे को यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर प्रूफ होता हुआ मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अगली बात पढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए देखिए इसको। अब अगली बात को मैं कैसे आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अब मुझे ये पता है कि रैंक ऑफ ए और बी ये लेस देन हो जाती है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, और ये हो जाती है रैंक ऑफ बी से तो छोटी होती है, लेकिन ये ग्रेटर देन हो जाती है हमारे पास यहाँ पर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी इंटू जो यहाँ पर होता है नेगेटिव नेगेटिव कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ पर भी एन क्रॉस एन है, एन क्रॉस एन है, तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज एन, दैट इज एन, ठीक है। यहाँ तक बड़े, अब इतने पोर्शन को यहाँ से दोबारा ले लीजिए, दैट इज रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी माइनस एन वो लेस देन हो जाएगा रैंक ऑफ ए बी। अब ए बी कितना है, जीरो, तो रैंक कितनी होगी हमारे पास, जीरो। तो इसका मतलब मेरे पास जो ये वैल्यू है, दैट इज रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी प्लस रैंक ऑफ ए वो लेस देन हो जाएगा हमारे पास एन से। तो इन दोनों को मैं अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर मुझे ये वैल्यू मिलेगी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन, तो मेरा थर्ड ऑप्शन तो मेरा ट्रू होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा ट्रू होता है। लेकिन बट रैंक नलिटी थ्योरम आप लोग जो है सेकंड ऑप्शन को भी ट्रू कर सकते हैं, तो ये आप लोगों ने होमवर्क है। जो यहाँ पर नलिटी ऑफ ए है, ये जो नलिटी ऑफ बी है, ये भी हमारा जीरो होगा बाय रैंक नलिटी थ्योरम से। आप लोगों को ये होमवर्क हमारी तरफ से कि इसे भी प्रूफ करना है, तो हमारे जो आंसर आते हैं वो कुछ इस तरह से हमारे आंसर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डन, बड़े आगे चलिए। आई थिंक ये जो सेकेंड कट है वो आ चुका होगा, आ चुका है, 17 मिनट हो चुके हैं, कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, कर देंगे, ठीक है। अगली बात को यहाँ पर देखते हैं। एक्चुअली हमारा जो कैमरा है वो 38 मिनट्स बाद कट कर जाता है, तो आई थिंक ये 38 मिनट्स प्लस 17 मिनट्स के आसपास हो चुका है, तो कंटिन्यूसली ये दो वीडियोस हमारी बन चुकी है 38 मिनट्स की, ठीक है। चलिए अब इससे आगे भी अब हम यहाँ पर इसे डिफाइन करते हैं, कैसे अब हम इस पूरी टर्म को यहाँ पर लेंगे। बहुत सिंपल बातें हमने यहाँ पर करनी है। देखिएगा आप, अब एक और रिजल्ट हम यहाँ पर लेंगे। रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज में 5 रिजल्ट तो हो चुकी थी, अब यहाँ पर ये 6 रिजल्ट है हमारे पास ये रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज में। एक सेकेंड, ये स्टार्ट हुआ या नहीं, ये कल की क्लास के बाद ना मैं इस मार्कर को मैंने खुला छोड़ दिया था, तो आई थिंक ये हमारा जो मार्कर है ये अब स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। मुझे स्टार्ट ये कभी भी मुझे लगता है अभी स्टार्ट नहीं होगा। आप लोगों के पास कोई आइडिया हो कैसे मार्कर को स्टार्ट किया जाता है दोबारा से, अगर वो ओपन रह जाए तो हमारे साथ शेयर करना, ठीक है। चलिए और कुछ, चलिए एक बार इसको इससे यहाँ पर देखते हैं, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। ओके, अब हमारे पास है यहाँ पर, अब अगर मैंने ए कोई भी मैट्रिक्स ली है एन क्रॉस एम टाइप की, ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स है कोई भी, ये मेरे पास एन क्रॉस एम टाइप की है, मेरे पास कोई भी यहाँ पर ये मैट्रिक्स है। अब इसके बेस हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा हूँ रिजल्ट है। रिजल्ट के बेस पे मैं ये बात बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पर रैंक ऑफ ए लूँ इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इन टू ए लूँ इज इक्वल टू, या रैंक ऑफ ए इन टू ए ट्रांसपोज लूँ
या रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज लूँ, बोथ आर द सेम थिंग। ये सारी की सारी जो नंबर हैं वो हमारे सेम होंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर नलिटी के बारे में बात बोलूँ तो नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए। नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए भी हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है। मैं इसमें से कोई एक नंबर यहाँ पर प्रूफ करूँगा, बाकी उसके जैसे ही हैं सेम तो वो भी हमें यहाँ पर प्रूफ होते हुए दिख जाएंगे, वो भी हमारे जो हैं यहाँ पर प्रूफ होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ देखते हैं यहाँ पर। अब हम इसे कैसे यहाँ पर इसका प्रूफ कर सकते हैं, देखिएगा। नलिटी है, इसका मतलब मैं यहाँ पर ये वाली बात बोल सकता हूँ कि कर्नल ऑफ ए, एज्यूम करते हैं इसके अकॉर्डिंगली कर्नल ऑफ ए इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए या इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए ट्रांस ए इंटू ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज, मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेट करता हूँ कि ए कोई भी मेरे पास एन क्रॉस एम की मेरे पास मैट्रिक्स है, तो यहाँ से अब अगर x मैंने यहाँ पर कर्नल ऑफ ए से लिया, अगर x मैंने यहाँ पर कर्नल ऑफ ए से लिया तो इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। अब अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूँ, दैट इज ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू जीरो, तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ वो तो जीरो ही होगा। दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इंटू एक्स, वो वाली वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इसका मतलब एक्स कहाँ चला गया मेरे पास यहाँ पर कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए में, कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए में। इसका मतलब फ्रेंड्स जो मेरे पास कर्नल ऑफ ए है वो मेरे पास कंटेन हो गया है कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए में, कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए में। अब मैं यहाँ से एक एलिमेंट लूँगा और इसके अंदर दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर अब लेट करा कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरे पास कर्नल ऑफ a ट्रांसपोज इंटू a में, वो बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो a ट्रांसपोज इंटू a इंटू x करता हूँ वो मेरे पास जीरो आता है। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स की टर्म में वो हमने क्या करा, मैपिंग लगने के बाद वो वैल्यू हमारी यहाँ पर जीरो आती है। ओके, अब मैंने यहाँ पर ये जो x है, मैं यहाँ पर ये वाली बात बोलूँ कि मैंने इसको यहाँ पर x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर इसे x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा तो वो a इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो है। अब मैं इसको अगर मैं कंबाइन करता हूँ, हमें पता है कि अगर मैं a और b का ट्रांसपोज करता हूँ तो वो b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज की इक्वल आता है। तो मैं यहाँ से इसको कंबाइन कर सकता हूँ कि a इंटू एक्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू जीरो होगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब अगली बात मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि मैंने वाई को इज इक्वल टू ए एक्स लिया है, तो यहाँ से मेरे पास नंबर क्या आ गया कि वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई, वो वैल्यू कितनी आ गई है, वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई, वो वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास यहाँ पर जीरो आ चुकी है। वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई, वो मेरे पास यहाँ पर जीरो आ चुकी है। इसे इक्वेशन नंबर वन करके यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर दोबारा लेते हैं वाई इज इक्वल टू ए और यहाँ लेना मुझे x। अब x तो मैंने तो ट्रांसपोज लिया था तो वो उसके अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पर इसे a को, a मेरे पास है क्या, मेरे पास यहाँ पर n इंटू m टाइप की है, मेरे को मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल करनी है तो मैं m इंटू वन टाइप की वैल्यू ले लेता हूँ। आंसर जो y का आएगा वो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, वो n इंटू वन टाइप का जो है वो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, अब अगर y मेरे पास n इंटू वन टाइप का है तो y ट्रांसपोज कितना होगा, वन इंटू n टाइप का होगा। y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, वन इंटू n टाइप की। मेरे पास कुछ ना कुछ मैट्रिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब अगर ये कुछ ना कुछ मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देखिएगा, मुझे ये पता है कि y ट्रांसपोज इंटू y इज इक्वल टू जीरो बन रहा है, y ट्रांसपोज इंटू y इज इक्वल टू जीरो बन रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये वैल्यू डालूँ, y ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, y ट्रांसपोज है कितना, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, y ट्रांसपोज की वैल्यू है वो है मेरे पास यहाँ पर 1 इंटू n टाइप का इसका ऑर्डर है, और y का ऑर्डर कितना है, n इंटू 1 टाइप की वैल्यू है, इसकी वैल्यू जीरो है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। आंसर कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर, एक y आएगा जिसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, एक मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो ऑर्डर कितनी है मेरे पास, 1 इंटू 1 टाइप की वैल्यू है, जीरो है।
मेरे पास एक नंबर आएगा वाई टाइप की वैल्यू, जिसका वन इंटू वन क्या है मेरे पास यहाँ पर, ऑर्डर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जीरो है, इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए यहाँ पर, अब मेरे पास एक वन रो वन कॉलम मतलब सिंगलटन एक नंबर है, जो जो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पर जो जीरो है, और वो वन इंटू वन टाइप की है, तो इसका मतलब नंबर क्या है, ये कब पॉसिबल है, जब मेरे पास ये वाई खुद ही जीरो होगा, जब मेरे पास ये वाई खुद ही जीरो होगा। अब अगर वाई खुद ही जीरो है तो बाय दिस इक्वेशन वी नो दैट दैट इज ए इंटू एक्स की, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स है, मैं यहाँ पर ए इंटू एक्स को मैं यहाँ पर जीरो लिख सकता हूँ। इसका मतलब मुझे ये वैल्यू पता चल गई, ये जो x है ये मेरे पास कर्नल ऑफ a में चला गया, ये मेरे पास कर्नल ऑफ a में चला गया है। इसका मतलब दैट इज कर्नल ऑफ a इज कंटेन इन, ओके नो 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 ये नहीं, इसका मतलब यहाँ से एक एलिमेंट लिया था मैंने, दैट इज कर्नल ऑफ a ट्रांसपोज इनटू a इज कंटेन इन कर्नल ऑफ a, a ट्रांसपोज इनटू a इज कंटेन इन कर्नल ऑफ a, ये वाली बात है मेरे पास यहाँ पर। इसका मतलब बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन मुझे यहाँ से पता चल गया, ये जो कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए है वो मेरे पास यहाँ पर कर्नल ऑफ ए के ही इक्वल आता है, कर्नल ऑफ ए के ही इक्वल आता है। तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर कि ये नंबर इनकी इक्वल है, तो बाय दिस मैं इन सबको यहाँ पर इक्वालिटी यहाँ पर कंटेन कर सकता हूँ। अगर इक्वालिटी कंटेन है तो नलिटी हो जाएगा, नलिटी है तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम से हम डायमेंशन को भी, सॉरी रैंक को भी हम यहाँ पर इक्वल बता देंगे। तो ये प्रूफ था जो हमने यहाँ पर बहुत ईजिली यहाँ पर आप लोगों के साथ इसे डन कर दिया है, ठीक है, बड़े आगे चलिए जी। अब इस बात को अब हम यहाँ पर और आगे क्वेश्चंस के अंदर लेते हैं, मैं बंद नहीं कर रहा हूँ अभी, मार्कर में इंक डाल देता हूँ ताकि आप लोग जी। चलिए अभी हमने यहाँ पर ये बहुत सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, लेकिन ये जो बातें अब हमने यहाँ पर देखी हैं ये आप लोगों ने जो 6 रिजल्ट हो चुके हैं टोटल, मैं ये 7 रिजल्ट आप लोगों को लिखवाऊंगा। अभी एक और रिजल्ट है मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर, तो वो भी अभी हमने यहाँ पर करना है। देखिए बहुत सिंपल था आज हमारा ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेक्चर था, ये लास्ट लेक्चर है, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेक्चर था ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद से आप लोगों को जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है जहाँ से भी दिखते हैं, नेट के हों, जैम के हों, जहाँ के भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखते हैं कि हाँ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पक्का। इसको आप लोगों ने सफिशिएंटली पढ़ लेना है क्या, ताकि आप लोगों के जो मार्क्स है यहाँ से कम ना हो, आप लोगों के जो मार्क्स है यहाँ से कम ना हो तक, और हमारा जो रैंक बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों की रैंक जो है वो इंक्रीज हो जाए, बूस्ट कर जाए। हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी बच्चे SRM Academy से जुड़े हैं, आप सभी का सिलेक्शन IIT इंडिया की बेस्ट IIT में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए हमारी विशेष तो आप लोगों के साथ है ही हैं, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के, उस पर अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखिए देखा मार्कर में मैंने इंक डाली तो आप लोगों से बात करने का मौका मिल गया, बात भी ज़रूरी है। देखिए बहुत सिंपल बातें अब हमने यहाँ पर, बहुत सिंपल डिस्कशन हमारा यहाँ पर रह गया है, वो डिस्कशन अब हमने करना है, ठीक है। और इसको मैं आज ही पब्लिश होगी ये आज के ही टाइम में, ठीक है, उस टाइम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, लेट मेरे पास यहाँ पर ए कोई भी एन क्रॉस एन टाइप की मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक्स अवेलेबल है, और मुझे यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मुझे यहाँ पर बोला हुआ है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मुझे यहाँ पर बोला हुआ है। देन मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए की पावर, आई थिंक ये 2016 वाला क्वेश्चन है, हाँ की पावर 2016 क्या होगी। आंसर है मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन में 2, बी सी और यहाँ पर डी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में 2, सेकंड ऑप्शन में 8, 4 और ये 2016। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास जो आया हुआ है, देखिए क्या बोला हुआ उन्होंने, रैंक ऑफ ए और ये सारी बातें यहाँ पर बोली हुई हैं। अब
लेकिन अभी अभी हमने ये वाला एक रिजल्ट पढ़ा है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, और यहाँ से हो जाएगा रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये वाली वैल्यू आ चुकी। अब आप लोगों को ये बात पता है क्या, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? अब अगर मैंने इसे B परफॉर्म लिया, इसे मैंने इसको B नाम दिया, तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर B का ट्रांसपोज करता हूँ तो वो A ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दीजिए। अब हमें पता है कि हमें ये वाली वैल्यू पता है कि A इंटू B का ट्रांसपोज वो हमारे पास B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की इक्वल है। यहाँ से मैं वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ, दैट इज़ वो हो जाएगा A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप लोगों को पता है A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर मैं करता हूँ तो वो A ही आता है। इसका मतलब जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। इसका मतलब ये हो गया है B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B हो गया है, दैट इज़ A ट्रांसपोज इंटू A हो गया है, दैट इज़ ये मेरी यहाँ पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके ऊपर अब हमने यहाँ पर आगे बढ़ना है, इसके ऊपर ये हमने इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि और आगे ए इंटू ये एन क्रॉस एन की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली हुई है। अब मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ क्योंकि ये एन क्रॉस एन है, लेट कर लेता हूँ कि मैं लेट ए बी एनी एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ही होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ही होगा। ये नंबर है, मैंने बहुत सारी बातें लिख दी हैं, आप लोगों ने अब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की यहाँ पर चेष्टा करनी है, ठीक है। अब अगली बात को यहाँ पर देखिए, अब मुझे यहाँ से ए ट्रांसपोज इंटू ए इसको और इसको कंबाइन करो तो मुझे ये पता है कि ए ट्रांस रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए वो हमारा इक्वल होगा। अब बी भी अगर मेरी कोई बी भी मेरे पास अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब बाय दिस ये नंबर भी कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू बी के ही इक्वल होगा बाय दिस प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी मैंने बी के लिए भी ये वाली बात बोल दी है, बी मैंने क्या लिया हुआ है, ए ट्रांसपोज इंटू ए लिया हुआ है, अप्लाई कर दीजिए। तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए और ये किसके इक्वल है, एक मिनट, यहाँ पर जो ये वैल्यू है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज इंटू हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए, बी की जगह बी की वैल्यू रखी है ये रैंक के अंदर। यहाँ पर रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज वो मेरे पास किसके इक्वल है, वो मेरे पास रैंक ऑफ ए के इक्वल है। अच्छा फ्रेंड्स, रैंक ऑफ ए मुझे दी क्या हुई है, वो मेरे पास टू दी हुई है, रैंक ऑफ ए वो मेरे पास टू दी हुई है। अब देखिएगा यहाँ पर जादू होने वाला है। अब मैंने यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्रूफ किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है टू इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ए ट्रांसपोज भी ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर हो गया है, ये ए स्क्वायर हो गया है। अब अगली बात यहाँ पर पढ़ते हैं, ए ट्रांसपोज भी ए के ही इक्वल है, तो ये ए स्क्वायर का ट्रांसपोज और इंटू ए स्क्वायर है। बात तो अभी भी वहीं की वहीं है, ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी होती है कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके स्क्वायर करो, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये भी कितना है स्क्वायर और ये भी कितना है स्क्वायर, तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू आती है रैंक ऑफ ए स्क्वायर ए की पावर फोर, वो भी वैल्यू मेरी यहाँ पर इक्वल ही है। अप टू सो ऑन ये मेरे पास यहाँ पर इवन पावर तक हमेशा ये चलती चली जाएगी, ये चलती चली जाएगी, ठीक है, यहाँ तक बड़े। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है टू इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। मैं उसकी यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा मेरी यहाँ पर इक्वल टू इक्वल चलती रहेगी, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू टू रेस टू पावर एन। जब भी ये इवन होगा रैंक हमारी सेम होगी। मुझे कहाँ तक जाना था फ्रेंड्स, मुझे तो 2016 तक जाना था, सिर्फ 2016 तक, क्यों हम इसे चेंज करते हैं ना 2020 कर देते हैं, हम इसे 2020 कर देते हैं क्वेश्चन को,
तो अभी भी क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये अभी भी 2020 है। और 2020 हो चाहे 16 हो चाहे 22 हो चाहे 18 हो, रैंक ऑफ ए इंटू ई ट्रांसपोज इंटू ए की पावर 2020 भी क्यों ना हो, वो तो इक्वल ही आएगी 2। ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बड़े देखिए बहुत सिंपल बातें हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। अब और बातों को यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कैसे अब हमने यहाँ पर लिखना है, कैसे कौन सा नंबर यहाँ पर हमारे पास होगा ही होगा। इसका मतलब देखिएगा, अगर ए मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रैंक हमारे पास यहाँ पर ए की पावर जो इवन पावर है वो हमारे पास इक्वल आती चली जाएंगी। चलिए यहाँ पर एक लास्ट रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज़ में 6 प्रॉपर्टीज़ हो चुकी थी, 7th प्रॉपर्टी लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की लास्ट प्रॉपर्टी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की लास्ट प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल डिस्कशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, तो एक लाइक बटन तो ज़रूर बनता है आप लोगों की तरफ से। चलिए अब मैं यहाँ पर एक 6th प्रॉपर्टी हो गई थी, 7th प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लेता हूँ। 7th प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी है। 7th प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैं लेता हूँ कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, मेरे पास यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ए बी एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखिएगा, ए बी एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो इसके बारे में मुझे यहाँ पर क्या ख्याल मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके बिल्कुल, देखिएगा एक बारी के लिए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर ए बी एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देखिएगा एक मिनट के लिए, अगर मैं यहाँ पर बात बोलता हूँ एक्स मेरे पास कोई भी कर्नल ऑफ ए से यहाँ पर डिफाइन होता है, एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ ए, इसका मतलब ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ ए से, तो